गाइस वेलकम बैक। और अभी देखते चेस्ट ट्रेन करते हैं, ओवर साइज टी शर्ट पहना है और चेस्ट पे पीआर मारते हैं 25 kg से। फिर लाइन खुद से 4 रैप्स गए थे और आज ट्राई करते एटलीस्ट 6 रैप्स या फिर 5 रैप्स। और कल मैंने वैसे इंस्टाग्राम पे पोल सेक्शन करा था कि व्हाट वुड यू गाइस मतलब लाइक टू सी बल्क फिजिक, लीन फिजिक और शुडाई मेन गेन, मतलब शुडाई स्टिक टू मेन गेनिंग। तो बहुत सारे लोगों ने तो यही डाला था कि उनको बल्क फिजिक कैसा देखना है। तो बल्क फिजिक कैसा, मतलब लॉकडाउन में एक्चुअली हो गया था, मैं थोड़ा मोटा हो गया था, बल्कि हो गया था, तो मेरे को ऐसे ये पैड रहना ज़्यादा पसंद नहीं। और मैं प्रेफर करता हूँ, मतलब हाँ प्रेफर किया, मुझे भी एक्चुअली लीन ही रहना है थोड़ा। फिर मैं मतलब एटलीस्ट थोड़ा लीन हो जाऊँ और फिर मैं अपना प्रोटीन इंटेक और थोड़ी सी कैलोरीज बढ़ा के मैं मेन गेनिंग करने का ट्राई करूँगा। तो मेरा तो यही प्लान है कि मैं पहले कट करूँ, पहले थोड़ा सा लीन हो जाऊँ और फिर बाद में थोड़े कैलोरीज 200-300 कैलोरीज बढ़ा के मेन गेनिंग करूँ। वैसे भी मैं भी अभी ये सब चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मैं तो ऐसा सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, ये भी मैं भी ट्रायल एंड एरर मेथड करके सीख रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ चीज़ें, जो रिजल्ट्स है वो आपके सामने अभी शेयर करता हूँ। तो मेरे को ये मेरा अभी 3रा साल है लिफ्टिंग, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब गलतियाँ भी करी है, जैसे अभी तक मैं प्रोटीन इंटेक मेरा पूरा नहीं कर रहा था। तो प्रोटीन इंटेक पूरा ना करने का रीज़न, अभी देखो मेरी बॉडी 3रा साल है मेरा ये फिटनेस जर्नी में, मेरे मेरी बॉडी मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो गई है, उसका वही रीज़न है प्रोटीन इंटेक। और चलो ट्रेनिंग तो मैं पिछले 1.5 साल से पुश पुल लेग ही फॉलो कर रहा था, फिर भी इतना इंप्रूवमेंट मतलब पुश पुल लेग से तो चलो आया है, फिर भी कंसिस्टेंसी नहीं थी, मैं जिम में आता था, बीच में 2-3 महीने छोड़ देता था। मैंने अभी इम्प्रूव अपना स्प्लिट भी चेंज किया है, मैंने बताया पिछले वीडियो में, अभी नो प्रो स्प्लिट फॉलो करता हूँ मैं। तो नो प्रो स्प्लिट में बेसिकली मेरा 4 दिन का स्प्लिट होता है, जब से मैंने मतलब ऐसा नो प्रो स्प्लिट स्टार्ट करा है ना, तब से ज़्यादा मैंने रेस्ट भी नहीं लिया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं लेग से रिकवर नहीं हुआ था, तब मैंने रेस्ट लिया। और अभी देखते हैं अंदर जाते हैं, अभी गाने बज रहे तो बंद है, गाने बज रहे लेंगे जिम में तो रॉन्ग नहीं रखूँगा, फिर पूरा एडिट वीडियो करूँ। तो अभी फर्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं, 20 kg से लेते हैं पहले सेट, फिर सेकेंड सेट टॉप रहेगा 25 kg, फिर बैक सेट करेंगे 20 या तो 17.5-17.5, देखते हैं अभी कैसे सेट जाते हैं, उसके हिसाब से हम लोग वेट चूज करेंगे। इंक्लाइन अपन कर अभी हो गया अपना और जिम में म्यूजिक चल हो गया है, तो इसके वजह से अभी आया अंदर चेंजिंग रूम में आके शूट करो अभी। तो 3 सेट हो गए अपने 25 kg से, पीआर था अपना लास्ट टाइम 6 रैप्स, आज 8 रैप्स मारे दिखेगा थोड़ा सा, मतलब मिनिमम राउंड में एकदम मिनिमम सपोर्ट दिया है, मतलब सिर्फ टच करके रखा था और आज 8 रैप गया अच्छे से। तो क्रिएटिंग की वजह से स्ट्रेंथ मस्त बढ़ रहा है और वैसे भी प्री वर्कआउट मिल भी गया था और सुबह सुबह कैसा जिम में रहता हूँ तो ज़्यादा प्री वर्कआउट मिल ले नहीं पाता हूँ। अभी सेकंड एक्सरसाइज अपनी केबल फ्लाइज रहेगी, अगर खाली हो पाए तो केबल फ्लाइज, नहीं तो फिर जाके पेक टेक ही मारेंगे।